तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी हूँ रायपुर में और आज मैं आपको दिखाऊंगा रायपुर के अमेजिंग अमेजिंग गणेश पंडाल। सो चलिए चलते हैं। सो हमने शुरुआत की है भाटा गांव से। ये पहला गणपति हम अभी देखने आए हैं। बहुत ही बेहतरीन डिजाइन किया गया है यहाँ पे। भटकाव चौक से ही सीधा निकले हैं हम नए बस स्टैंड रोड पे, एंड यहाँ पे एक से एक गणपति हमें देखने को मिले। तो हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी और ये पहला गणपति हम देखने पहुँच चुके हैं। हर 100-200 मीटर के दूरी पे आपको एक नया पंडाल, एक नए गणपति का अवतार देखने को मिलता है। इस प्रतिमा को ही देख लीजिए, कितनी सुंदर तरीके से राधा कृष्ण के रूप में गणेश जी को बनाया गया है। कुछ दूर चलते ही हमें एक और इंटरेस्टिंग पंडाल देखने को मिला। इसका एंट्रेंस आप देख सकते हैं, कितना सुंदर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे अंदर जाते ही हमें देखने को मिला कि ये थीम पूरा रामायण की थीम पे बनाया गया है। और अंदर जाने के बाद हमें बहुत ही खूबसूरत गणपति जी की विशाल मूर्ति देखने को मिली। कुछ दूर चलते ही हमें रोड के उस पार ये गणपति जी का मत्स्य अवतार देखने को मिला, जो पास से देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये उसी नए बस स्टैंड रोड में गणपति एक और हमें देखने को मिला। ये थोड़ा अंदर जाके एकदम रोड पे आपको नहीं मिलेगा, बट बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ भी हमें देखने को मिला। अभी तक हमने जितने भी गणपति देखे थे यूनिक आइडिया एंड थीम पे बनाए हुए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रायपुर में हर 100-200 मीटर में इतने बेहतरीन गणपति हमें देखने को मिलेंगे। मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आप भी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिए। एक ही जगह पे 100-200 मीटर में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर गणपति जी की मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। सो अभी हम निकल पड़े थे कालीबाड़ी की ओर, बट हमें रास्ते में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पंडाल और गणपति जी की मूर्ति देखने को मिली। यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता के रूप में प्रतिमा बनाई हुई है। तो फाइनली हम कालीबाड़ी पहुंच चुके हैं, वो पंडाल जिसे हर कोई देखना चाहता है एंड टॉक ऑफ द टाउन है, सबसे बड़ा पंडाल रायपुर का। यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ये लोग करते हैं एंड मुझे अपनी आँखों से विश्वास नहीं हो रहा था पंडाल को देख के, इतना मैग्निफिसेंट, इतना ह्यूज पंडाल। यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति भी इतनी सुंदर और इतनी बड़ी बनाई हुई है, बस देखते ही आज का दिन पूरा हो गया था हमारा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।